अगर आपको अक्सर घबराहट बनी रहती है या फिर आपकी बॉडी अंदर से वीक कमजोर महसूस करती है या फिर आपको अक्सर चक्कर आते हो या फिर चक्कर आते आते कभी कभार ऐसा भी होता हो कि आप गिर जाते हो और गिरने के बाद आपकी बॉडी ठंड पड़ जाती हो या फिर पीली पड़ जाती हो या फिर सुन्न हो जाती हो या फिर ऐसा भी होता हो कि आप बहुत देर से चेयर पर बैठे हो और अचानक से उठने पर आपके आँखों के सामने कालापन छा जाता है या फिर आपकी विजन जो है जो ब्लर हो जाता है या फिर आपको चक्कर आने लगता है और आप चक्कर खाकर गिर जाते हैं। तो इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको लो ब्लड प्रेशर होने के संकेत हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग लो ब्लड प्रेशर से डील कर सकते हैं और कैसे आप लोग लो ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर किसी को इंस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले हम उस व्यक्ति को किसी शांत जगह बैठा दें या फिर लेटा दें और उस व्यक्ति को कहे कि डीप ब्रेथ ले, यानी कि लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता, तो इसीलिए क्या होता है, हमारे बॉडी में ये सारे सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कि बेहोशी आ जाना, चक्कर आ जाना, बॉडी ठंड हो जाना या फिर सुन हो जाना या फिर एनीमिया हो जाना, ये सब आने लगते हैं। तो इसीलिए उस व्यक्ति को कहिए कि गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें ले ताकि उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है वो पूरा हो सके। और दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को आप नींबू पानी पिलाइए और नींबू पानी कुछ स्पेशल होना चाहिए क्योंकि उसमें आपको नमक थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में और चीनी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मिलाकर उस व्यक्ति को पिलाना है और ये ड्रिंक पिलाने से उस व्यक्ति का जो प्रेशर लो हुआ है तो उस व्यक्ति को प्रेशर नॉर्मल रेंज में आने लगेगा और ये बीपी लो होने की वजह से जो सारी समस्या आए हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो अब तो ये बात हो गई कि कैसे आप लोग लो ब्लड प्रेशर को तुरंत ठीक कर सकते हैं या फिर तुरंत राहत पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार लो रहता है या फिर बना ही रहता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो लो ब्लड प्रेशर वाली समस्या को परमानेंट क्योर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमेशा के लिए लो ब्लड प्रेशर वाली समस्या को कैसे ठीक किया जाए तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लो ब्लड प्रेशर आखिर है क्या और हम लोगों को होता क्यों है। क्योंकि बिना कारण जाने आपको मैं कुछ भी बता दूं कि आप ये खा लीजिए वो खा लीजिए और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कारण को जान लेंगे तो उसे आप रिप्लेस कर सकेंगे, बदल सकेंगे या फिर उसे ठीक कर सकेंगे। तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो खून की नलियाँ है या फिर धमनियाँ हैं उसमें खून का प्रेशर कम हो गया है और प्रेशर कम होने की वजह से जो खून हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और मिनरल पूरे बॉडी पार्ट में ले जाए जाते थे या फिर ब्रेन में ले जाए जाते थे तो अब धीरे धीरे ले जा रहा है या फिर कम ले जा रहा है। इसी की वजह से हमारी बॉडी अंदर से कमजोर महसूस करती है या फिर ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और मिनरल्स नहीं मिल पाते तो इसी की वजह से ये सारे सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कि बेहोशी आ जाना, चक्कर आ जाना, बॉडी ठंड पड़ जाना, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। ये कुछ उस तरह का सिचुएशन है कि मान लीजिए आप पौधे पर पानी डाल रहे हैं और पानी का प्रेशर पाइप में अच्छा खासा आ रहा है तो उससे क्या होगा, आप अपने पौधे पर सफिशियंट अमाउंट में पानी डाल पाएंगे और उससे क्या होगा, आपका पौधा हरा भरा होगा, मजबूत होगा। और अगर मान लीजिए कि आपके पाइप में पानी का प्रेशर कम है तो उससे क्या होगा, आप अपने पौधे पर पानी तो डाल देंगे लेकिन सफिशियंट अमाउंट में तो नहीं डाल पाएंगे तो उससे क्या होगा, कई पौधे मरने लगेंगे या फिर कई पौधे सूखने लगेंगे। तो इसी तरह का सिचुएशन हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में खून का प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा हमारे बॉडी के पार्ट में, स्पेशली हमारे ब्रेन में। अगर हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन और मिनरल नहीं मिल पाएंगे तो आपको ये लो ब्लड प्रेशर वाले सिम्टम आने लगेंगे, जैसे कि आपको चक्कर आने लगेगा, आप बेहोश हो जाएंगे, आपको एनीमिया हो जाएगा या फिर आपकी बॉडी ठंड हो जाएगी या फिर आपकी बॉडी पीली हो जाएगी, ये सारे सिम्टम आपको आने लगेंगे। तो अब हमने ये तो जान लिया कि ये लो ब्लड प्रेशर आखिर है क्या और इसकी वजह से ये सारे सिम्टम आपको क्यों आते हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि आपको ये लो ब्लड प्रेशर वाली समस्या किस वजह से आ रही है। क्योंकि जब आप कारण को जान लेंगे तो उस कारण को आप जल्द से जल्द निवारण कर पाएंगे। तो अब जो मैं एक एक कर आपको जो सारे कारण बताते जाऊंगा और उसके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट भी बताते जाऊंगा ताकि इस कारण से आप जल्द से जल्द निजात पा सके। देखिए, ब्लड प्रेशर लो होने का सबसे पहला कारण है कि आपकी बॉडी में खून का कमी हो जाना। जी हाँ गाइस, अगर आपके बॉडी में खून का वॉल्यूम कम है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बीपी लो वाली समस्या आपको आ सकती है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह सिचुएशन है कि अगर आपके टंकी में पानी का मात्रा कम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पाइप में पानी का प्रेशर कम आएगा। तो आप इस कारण से निजात पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा।
अक्सर जो हमारे बॉडी के अंदर खून की कमियां होती है वो किस वजह से होती है, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की वजह से। तो आपको क्या करना है, हर दिन डाइट में दही का इस्तेमाल करना है जिसमें विटामिन बी12 और बहुत सारे ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसी तरह आपको हरी पत्ती वाली सब्जियां ज़्यादा सेवन करना है, उससे क्या होगा आपके अंदर जो आयरन और फोलिक एसिड की कमियां हो गई है वो ये पूरा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा आपका हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा और आपका जो ये बीपी लो वाली समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और एक वजह है जिससे आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम लो हो सकता है वो है डिहाइड्रेशन। जी हाँ गाइस, अगर आपके बॉडी में पानी का मात्रा कम है उससे भी आपको ये बीपी लो वाली समस्या आ सकते हैं। और हमारे शरीर में पानी का मात्रा कम होने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि आप पानी कम खाते हो या फिर आप अपने डाइट में नून का मात्रा बहुत ही कम लेते हो या फिर आपको उल्टी आ रही है बहुत बार या फिर आपको डायरिया हो गया है या फिर अभी अभी आप बिरामी से उठे हैं या फिर आप इसी जगह जा चुके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसकी वजह से आपको ये बीपी लो वाली समस्या आ सकती है। तो इस कारण से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, फ्रूट का जूस पीना है या फिर लिक्विड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन करना है। उससे क्या होगा, फ्रूट के जूस में बहुत सारे ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम बना रहेगा और आपको जो बीपी लो वाली समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये कारण को और ये ट्रीटमेंट को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप 10 डॉक्टर को बदल लेंगे या फिर 10 वीडियो को देख लेंगे उससे कुछ नहीं होगा, आप अपने ब्लड प्रेशर लो वाली समस्या कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं अगला कारण जो कि है फास्टिंग करना। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा व्रत करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाएगा और आपका जो बीपी लो वाली समस्या है वो आने लगेगा, या फिर आपको डायबिटीज है या फिर आपको शुगर है और उस समय आप फास्टिंग करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाएगा और आपका जो ये बीपी लो वाली समस्या है आने लगेगा। तो इस कारण से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, फ्रूट के जूसे पीना है या फिर लिक्विड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन करना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है या फिर आपका जो ये बीपी लो वाली समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगला जो कारण है जो कि है, अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं या फिर कोई भी दवा ले रहे हैं और वो दवा आप पर हाई डोज पर काम कर रही है तो उसकी वजह से भी आपको ये लो ब्लड प्रेशर वाली समस्या आ सकती है, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी आ जाना। इस कारण से निजात पाने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए और आप अपने सिचुएशन के बारे में अपने डॉक्टर से कहिए, और इससे क्या होगा आपका डॉक्टर इस दवा को डोज घटा देंगे या फिर आपका दवा रिप्लेस कर देंगे और आपका जो बीपी लो वाली समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं अगला कारण के बारे में जिसकी वजह से आपको येलो ब्लड प्रेशर वाली समस्या आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत देर से चेयर पर बैठे हैं या फिर लेटे हैं और अचानक से उठने पर आपके आँख के सामने ब्लैकनेस होने जाना या फिर अंधेरा हो जाना या फिर आपके जो विजन है वो ब्लर होने लगना, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है, आप अगर आप बहुत देर से लेटे हुए या फिर बैठे हुए हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो पूरा ब्लड है वो पैरों में जा चुका है और आप अचानक से उठेंगे तो आपका जो ब्लड है फिर से अचानक से पंप करेगा ऊपर की ओर, तो आपका जो क्या होगा ये सारा सिम्टम आने लगेगा। तो इस कारण से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप बहुत देर से लेटे हुए हैं या फिर बैठे हुए हैं तो आपको अचानक से नहीं उठना है, आपको धीरे धीरे कॉन्शियस होकर उठना है, आपको इधर उधर देख लेना है कि कोई हमको ब्लैकनेस नहीं तो नहीं आ रहा है या फिर हमारा विजन ब्लर तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको फिर बैठ जाना है और कुछ देर के बाद फिर से ट्राई करना है। अगर आपको ये सारे सिम्टम ना आए तो आपको धीरे धीरे उठना है, धीरे धीरे कर उठिए, आप अचानक से ना उठे। अगला कारण जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो है कि ओवर ईटिंग की वजह से या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खा ले उसको भी लो बीपी वाली समस्या आ सकती है। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ईटिंग कर ले, बहुत ज़्यादा खा ले तो हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो ब्लड है वो खाना पचाने में लग जाता है और हमारे शरीर को एनर्जी बचती ही नहीं, आपको ये ब्लड प्रेशर लो वाली समस्या आ सकती है या फिर आपका जो ये बेहोश हो जाना, चक्कर आना, ये वाली समस्या आ सकते हैं। तो इस कारण से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा थोड़ा कर खाइए, 3-3 घंटे के गैप में खाइए और इससे क्या होगा आपका जो लो बीपी वाली सिम्टम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। और अगला जो कारण है, आप लोग देखा होगा टीवी सीरियल या फिर किसी मूवी में कि कोई एक्सीडेंट वाली न्यूज़ है या फिर कोई शॉकिंग न्यूज़ है वो सुनने के बाद घर का एक सदस्य या फिर घर का एक मेंबर क्या होता है, चक्कर खा के गिर पड़ता है। तो ये सिचुएशन किस वजह से आए है, ये बीपी लो की वजह से आए। अगर कोई आदमी इमोशनली बहुत ही वीक है तो उस व्यक्ति को अचानक से बीपी लो हो जाते हैं और वो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। तो इस कारण से निजात पाने के लिए आपको क्या करना होगा, इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ करनी है, वो है मेडिटेशन करना। आपको हर दिन कम से कम 15-20 मिनट तक मेडिटेशन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आप अपने थॉट को, आप अपने इमोशन को अच्छे से ढंग से पहचान पाएंगे, तभी तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे और उससे क्या होगा आपका इमोशन स्ट्रांग होगा और आपका जो इमोशनल शॉक लगता है या फिर आपको जो इमोशनल शॉक लगने की वजह से बीपी लो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपका जो बीपी लो
वाली समस्या है वो कम हो जाएगी। और कुछ स्पेशल कारण है जिससे आपकी ब्लड प्रेशर लो होने की समस्या आ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में भी आपको लो ब्लड प्रेशर होने की समस्या हो सकती है, लेकिन ये आफ्टर डिलीवरी आपको ये ठीक हो जाएगा, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप अपने सिचुएशन के बारे में डॉक्टर से बताइए और उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और दूसरी जो कारण है वो है आपका ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि बैक्टेरिया या फिर सेप्स, तो उसकी वजह से भी आपको ये लो ब्लड प्रेशर वाली समस्या आ सकती है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वही बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो ये थे वो सारे कारण जिससे आपकी ब्लड प्रेशर लो हो सकती है, और आपको मैं कारण के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी बताया हूँ जिसे आप अपनाकर ये बीपी लो वाली समस्या को हटा सकते हैं और आप एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह आप अपनी लाइफ बिता सकते हैं। आई होप कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आपको ये बीपी लो वाली समस्या इनमें से कौन सी है और आपको क्या चीज करना चाहिए इस बीपी लो वाली समस्या को हटाने के लिए। साथ ही कुछ चीजें समरी के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बीपी बार बार लो होता है, जब भी आप चेक करने जाए उस समय पर आपका बीपी लो होता है, तो आपको क्या करना है, हर दिन के डाइट में नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना है, पहले से ज्यादा करना है। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा और वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आने लगेगा। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ करना है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जहाँ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हुई है वो धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। और मेनली आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कभी भी कम ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।